मैं बताऊंगी जल्दी से घी कैसे निकलता है। इसको ना मोसा ऐसे मत मत के, इसमें से दूध निकल जाए। ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी आप डालते जाओ। देखो इसमें से ये दूध सा निकलेगा, इसमें से ऐसे ही दूध सा निकालते जाएंगे। इसमें से जितना दूध निकलेगा उतना हमारा घी जल्दी निकलेगा। अब मैं प्रेस बंद करके पहले इसको दिखाने आई हूँ आपको, क्योंकि मेरी प्रेस भी घी होता रहेगा गैस पे और मेरी प्रेस भी हो जाएगी। देखो फिर हम डालेंगे पानी। ठंडा डालेंगे फ्रिज का पानी। ऐसे ही कई बार हम इसमें पानी डाल के और ऐसे इसमें दूध सा निकल जाएगा सारा। देखो गाइस ये सारा दूध निकल जाएगा, फिर हमारा घी 15 मिनट में आराम से निकल आता है। नहीं, घी हमें बहुत टाइम लगाता है निकलने में। हम देखते रहते हैं कि अरे अभी घी में बहुत टाइम लग जाता है, आध पौन घंटा लग जाता है, लेकिन इस मेथड से हम बनाते हैं ना घी को, तो मक्खन को ऐसे करते हैं तो जल्दी से निकल आता है। और गैस देखो फिर ये ऐसा पानी हो गया। देखो ये निकाल देंगे, अब हमारा ये पानी लास्ट में ये ऐसे रह जाएगा। इसमें से हमारा दूध दूध निकल गया, अब मक्खन मक्खन गया। तो ये हम ना ठीक ऐसी होती है कि जल्दी बन जाता है घी से। आप भी ट्राई करके देखना, वह चिल्ड पानी लेना फ्रिज का जो आप डाला मक्खन में, और इसको ऐसे वॉश करते रहो, इसे बार बार अलट पलट करके, और इसको इसका दूध सारा निकाल लो। मेरा मक्खन बहुत सारा है गाइस, और देखो मेरी चीज सारी गंदी हो गई। अब ये रख दिया मैंने मक्खन। हेलो गाइस, मैंने ले ली लौकी। देखो ये वॉश कर ली है मैंने, इसमें एक आध बीज आ गया है, इसको निकाल देते हैं हम लोग। इसका ना पानी या तो हम आटे में गूंदने के लिए ले लेंगे। डाली देते हैं, पौष्टिक होता है। अब इसमें लगा देते हैं हम एक सीटी। लौकी को कद्दूकस करके घिस के उसमें, और फिर उसको ना वॉश करके, और फिर मैंने इसमें कुकर में चढ़ा दिया। और इसमें आ जाएगी एक दो सीटी आ जाएंगी, हमारी लौकी उबल जाएगी।
गाइस देखो अब हमारी दोनों चीजें तैयार होने लगी। देखो घी भी मेरा तैयार हो रहा और देखो ये हो रहा है मेरी लौकी की लौंज की लौकी उबल रही है। गाइस अब मैं कर लेती हूँ, अब मैं जा रही हूँ प्रेस करने के लिए। देखो कावे आ गई मेरी, अब इसकी बनाऊंगी चोटी। ये प्रेस बंद करिए इसलिए अब इसकी चोटी बनानी पड़ेगी मुझे खुद को। मेरी प्रेस हो चुकी है और मैं जा रही हूँ। चाय बनाने मैं बना लूंगी चाय। अब इसमें है लौकी, देखो मेरी उबल चुकी है लौकी, देखो उबल चुकी है। मेरे पास खत्म मावा, मैं इसे डाल दूंगी इसमें। मैं डाल दिया मावा इसमें और लौकी। टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दूंगी मैं इसमें। चाय बन रही है, बन रही है। बाय बाय। बिस्किट है नहीं, वो दो बिस्किट रख दो, दो बिस्किट के पैकेट रख ला रही उसमें रखा। पानी हो गया ज्यादा, मेरी गैस हो गई बंद। हेलो गाइस अब मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू। अरे इधर कर लो, अरे उधर से करती ना।
हेलो गाइस, अब मैं आटा गूंद रही हूँ। बताना किस किस को आटा गूंदना अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मुझे कम बहुत कम अच्छा लगता है आटा गूंदना। और देखो मेरा घी भी हो गया, तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना घी। देखो घी भी हो गया मेरा, हो गया ना घी। गाइस अब मैं बना लेती हूँ सब्जी तोरी। अब इसमें डालूंगी मैं जीरा, चटक तेल चटक जाएगा, बहुत जीरा चटक जाएगा तेल में डाल के। और अब डाल देती हूँ हल्दी मम्मा, और थोड़ी सी मिर्च मम्मा। हाँ बेटा, तू बोले चकला बेलन ले ले। नहीं बेटा चकला बेलन नहीं, और ये मैंने पहले ही वॉश कर ली थी तोरी। तोरई वैसे कढ़ाई में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैंने आज कुकर में सौंप दी। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिए गए हमारा टेस्ट है, और आधी आधी के लिए भी सूखे आलू छोड़ दूंगी क्योंकि उसे ना पसंद नहीं है। तो रही गाइस कुकर का ढक्कन नहीं लेगा, कुकर का ढक्कन ये रहा मिल गया। मैं सीटी इसमें आ जाएंगी एक दो सीटी। और गाइस देखो मेरा आटा भूल गया, देखो ऐसे ऐसे भूल गया मेरा आटा। देखो मेरा बन गया लौकी की लॉन्च, आप भी खा लो टेस्टी टेस्टी लॉन्च। आप भी खा लीजिए। काव्या आ जा बेटा, नंदू काव्या आ जा जल्दी। गाइस मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करना, और कमेंट्स मेरे लिए जरूर भेजना। और मैं करती हूँ अब वीडियो का एंड। जय माता दी गाइस। सॉरी अब हम फिर दोबारा करते हैं आपको वीडियो का एंड, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे हम भी आएंगे मामा वीडियो में, तो हम करते हैं वीडियो का एंड। जय माता दी, बाय।